अब हम लोग एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, एंथर के साथ साथ उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके बारे में भी देखेंगे। स्ट्रक्चर का स्टडी यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एंथर जो होता है वो एस्टामेन का पार्ट है। तो ये पूरा हमने एस्टामेन ले लिया। एस्टामेन यानी कि फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो हमने लिया है। तो एस्टामेन में दो पार्ट होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सपोज के लिए काम होता है, विशेष इसका कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं है। अब एंथर की बात करें तो एंथर सबसे पहले तो ये दो लोब, टू बाइलोब्ड है, यानी कि टू ऐसे दो मुट्ठी बंद किया हुआ जैसे होगा ना, इस तरह से एंथर रहता है यहां पे। तो हमने लिखा एस्टामेन विथ बाइलोब्ड एंथर, ये इमेज है, ये एस्टामेन है जिसमें दो लोब वाला एंथर। अब इस एंथर को हम अगर बीच से काट दे, ऐसे ऐसे कट कर दे, तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। थोड़ा एनलार्ज व्यू है, ये बड़ा किया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा ये फिलामेंट का छोटा सा फॉर्म हमने बना के हटा दिया। अब ऊपर एंथर में देख रहे हैं, तो एंथर में आपको दिखेगा ये दो लोब तो हैं ही, ऐसे और ऐसे दो लोब बनेगा ना, एक ये लोब है और एक ये लोब है। इस दो लोब में दोनों में दो दो थेका है। थेका यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इस तरह से टोटल फोर थेका, चार, और इसमें अंदर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। यही मेन चीज है, इसी चार माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन बनेंगे। ओके, तो यहां पे चार जो थेका है चारों में माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको कह सकते हैं, इसी में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। यहां पे जो छोटा सा दिख रहा है ये यहां पे ये कनेक्टिव है, इसी से यहां पे ये जो फिलामेंट है वो अटैच रहता है, ये कनेक्टिव नीचे तक जाएगा। अब ये एंथर का ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर एंथर कंप्लीटली मैच्योर हो जा रहा है तब ये ऊपर से कैसा दिखेगा और किस किस तरह के इसमें टीशू होंगे, उसके लिए टीएस इसका देखना पड़ेगा। ये टीएस ही है एक तरह से, ये पतला सा टीएस लिया और माइक्रोस्कोप पे अगर रख के देखेंगे तो माइक्रोस्कोप पे लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। सेलुलर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है तो हम लोग डायग्रामेटिक बनाते हैं, डायग्रामेटिक है। तो यहां पे है टीएस ऑफ यंग एंथर, ये जो है यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यंग एंथर में क्या क्या होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर है, देखिए जैसे ऊपर से है वही ऊपर वाला इमेज हमने ले लिया है। इसमें सबसे पहले जो लेयर कितने हैं वो पहले काउंट कर लीजिए। देखिए ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर और अंदर में पांचवा है, पांचवा सैक है। तो यानी एक सैक हो गया और ऊपर से चार लेयर है, टोटल फाइव स्ट्रक्चर इसमें देखने हैं। एक एक्स्ट्रा में ये कनेक्टिव है जो यहां पे हमने बनाया, वो कनेक्टिव है ये। ओके, अब इस एंथर की बात देखिएगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगा एंथर का वो कहलाएगा इपीडर्मिस। ये तो हर जगह होता है ना इपीडर्मिस, जैसे हम लोग में इपीथेलियम होता है, इसमें प्लांट में इपीडर्मिस हो गया, आउटर मोस्ट लेयर जो सेल का हो गया। और उसके अंदर जो दूसरा लेयर बन रहा है, इस सेकेंड लेयर को हम लोग कहेंगे इंडोथेसियम। इपीडर्मिस देन इंडोथेसियम, और उसके अंदर जो ये तीसरा लेयर है पूरे, इसको कहेंगे मिडिल लेयर। इसका ये बीच में मिडिल लेयर कह दिया जाता है, इपीडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम और देन मिडिल लेयर। उसके बाद हर एक जो जो सैक है उसको गोल गोल घेरे हुए है आपको टैपेटम। टैपेटम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो अंदर में मेन सैक है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि देख लीजिए चार अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया है, चार थेका था, उस चारों थेका में माइक्रोस्पोरेंजिया है जहां पे मेनली पोलन ग्रेन बनेंगे। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया को चारों तरफ से कवर किए हुए होता है किसका, टैपेटम का सेल। टैपेटम पहले माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, उसके चारों तरफ टैपेटम, उसके चारों तरफ मिडिल लेयर, उसके चारों तरफ इंडोथेसियम और उसके चारों तरफ कवर किए हुआ है इपीडर्मिस, बीच में एक कनेक्टिव भी है। तो ये हो गया आपको
एंथर या माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।